नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सात नगर पार्ट टू में जहाँ पे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, शायद विधायक के द्वारा ये काम यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है चौथी बार ये काम चल रहा है, जैसे लोगों के पानी के पाइपलाइन है या सीवर है, जो भी है बार बार तोड़ के चले जाते हैं, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं होती यहाँ पे। नाली का लेवल ये अभी इसमें मसाला डाला नहीं है तो वो पानी कैसे उतर जाएगा उसमें? तो यहाँ की जो पूरी समस्या है वो हम दिखाएंगे, पहले आपको ये दिखा देते हैं जो यहाँ पे ये काम हो रहा है किस तरह हो रहा है। और यहाँ पे लोग भी इकट्ठे हैं तो लोगों से पूछेंगे क्या दिक्कत उनके सामने आ रही इस चीज़ को लेके, जिस तरह यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, जैसे पता चला कि ये शायद विधायक के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो हम एक बार आपको ये पूरा एक बार पूरा वो दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे काम हो रहा है और जितने भी यहाँ घर हैं सभी का हाल बहुत बुरा है हर चीज़ को लेकर। ये आप देख सकते हैं किस तरह पाइप तोड़ दिए गए और रिपेयरिंग का कोई आश्वासन यहाँ पे नहीं मिल रहा इन लोगों को। ये आप देख सकते हैं सामने काम चल रहा है मगर यहाँ पे कोई भी आश्वासन इन लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे काम चल रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं तो लोग हैं अपने घरों से बाहर आए हुए हैं सभी, किस तरह यहाँ पे लोग परेशान हैं। तो बात कर, ये मसाला है देखो, इसमें कहीं सीमेंट भी नज़र आ रहा हो जो ये मसाला यूज कर रहे, ये सामने दिख रहा बजर पूरे में, ये देखो ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं और सीमेंट का तो नाम ही नज़र नहीं आ रहा इसी को, सीमेंट इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस मसाले का उपयोग करें बगैर सीमेंट के। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये आप पीछे काम देख रहे होंगे कैसा है, ये कम से कम कि चार बार हो गया है तोड़ना बनाना, ये पैसा आएगा कहाँ से? फिर इनका जितना भी काम चल रहा है, ये आप बदरपुर देख ही रहे होंगे क्या हालत है। तो ये कल के दिन पानी मरेगा, घर में सीलन आएगी तो घर गिरने का इकदार पे होगा ये। तो इसके ठेकेदार है, उसके बाद ठेकेदार का कोई पता ही नहीं सर, किसे बोले ठेकेदार, लेबर को बोले ठेकेदार का पता ही नहीं है, ठेकेदार का पता नहीं, किसी का पता नहीं, अपने मन से काम हो रहा है, ठेकेदार बोलता है हम जुड़वा देंगे, बाद में उसका कोई पता ही नहीं पाइप का, पैसा हमारा 3-4 हज़ार रुपए खर्च होता जा रहा है। ये कई बार टूट गए हैं पाइप, तो ये पहले सीवर डाल दिए, साथ साथ करवाते काम तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ना, पहले सीवर डाल दिए अब नालियां बना रहे हैं, ऊपर से फिर अब ये सड़क बनाएंगे तब भी ये तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे तब, तो ये 3-4 बार कौन नुकसान भुगतेगा इसका, गरीब आदमी कैसे भुगत लेगा? फिर निगम पार्षद है जिसके द्वारा ये काम हो रहा है उसके पास गए इस चीज को लेकर? वो चले गए हैं, जेंट्स लोग गए थे, वो कह रहे नहीं कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया अभी तक, नहीं जी कोई सुनवाई नहीं। मेरे घर के आगे तो बिल्कुल भी सीमेंट नाम का नहीं है, और कई बार कंप्लेंट भी करी है हमने, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनने को रही नहीं। हम चाहते थे कि एक बार तोड़ ले, कम से कम 7-8 बार तोड़ चुके कनेक्शन और हम लगा चुके हैं, आपको पता इतने गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा, हमारा आदमी तो रोज मजदूर लाता रोज कमाते हैं। 12 घंटे पहले चुनाई हुई है जी, ये आपके मकान है? मेरे मकान है सारे, राजनगर मेरा ही है, इनका मकान नहीं है, राजनगर पूरा मेरा है, ठीक है ना। कई बार विधायक लास्ट टाइम जो हमने एक जो इन मसाला बनाया था उसकी पन्नी में सैंपल लेके जो इनका मुनिम है उनको दिखाया, मन के इसकी कंप्लेंट हम उसमें करेंगे। आपके ठेकेदार पता नहीं कहाँ का है, वो तो जून साहब जाने कहाँ का ठेकेदार है, ठेकेदार भी नहीं देखा हमें ठेकेदार का पता नहीं है। लेबर ये आप ये देखिए 12 घंटे पहले की चुनाई है, ये 12 घंटे पहले की चुनाई है इसको 12 घंटे, और एक मैं मसाला बना देखा उसको फाड़ के दिखा ये और देख रहे कि किस तरह की चुनाई यहाँ पे हो रही, जैसे भैया ने हाथ लगाया तो ये ईंटे भी निकल आई है, देखिए हाथ लगाते ईंटे ऊपर, ये मसाला है क्या होगा, तोड़ की जा रही है और जो यहाँ ठेकेदार है वो अभी यहाँ पे आके नहीं देख रहा, और जिसके द्वारा ये काम हो रहा वो अभी आज तक यहाँ नहीं आया, ये लोग विधायक के पास भी गए मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इतना बुरा हाल है आज की डेट में और लोग बड़े परेशान हैं, घर में पानी नहीं आता नहाने धोने के लिए, क्या वैसे भी ऑफिस भी नहीं जा सकते, तो बड़ी समस्या इन लोगों के आता है। नाली का पानी आता है,
अजय जी, जैसे हम देख रहे हैं जो गली में हम खड़े हुए हैं, ये कितने दिन से काम यहाँ पे चल रहा है? ये 4 दिन से काम चल रहा है। इसमें विधायक का और ठेकेदार का भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। एक ट्रॉली गाड़ी में सिर्फ 2 सीमेंट के कट्टे लगा रहे हैं। मसाला यहाँ के लोगों ने दिखाया है, हाथ में लेके ऐसे करके दिखा रहे हैं, साफ टूट रहा है एक साथ। यानी कि जो विधायक है उसके द्वारा ये काम हो रहा है और विधायक के पास यहाँ के लोग भी गए मगर कोई सुनवाई नहीं। और ये आम आदमी पार्टी के यहाँ के विधायक है जून, बीएस जून यहाँ के विधायक, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठेकेदार का तो पता ही नहीं है वो कहाँ का है कहाँ का नहीं। पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आंटी क्या कहना चाहोगे आप, यहीं रहते हो ना? यहाँ का काम बिल्कुल बेकार हो रहा है जी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना नुकसान कर रहे हैं यहाँ के लोग। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे काम चल रहा है उसके बारे में? मेरा नाम लोकेश सिंह है और मैं युवा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राजनगर से कांग्रेस पार्टी का। पिछले 6 लॉकडाउन से पहले ये काम शुरू हुआ था, फिर लॉकडाउन लग गया, काम बीच में रुक गया। गलियों की बहुत बुरी व्यवस्था थी, अब इन्होंने गलियां बनाई तो भी मामला ठीक नहीं था। अब नालियां जो बनाई है ना, तो ये लेवल लेके चल रहे हैं, प्लस लोगों के कनेक्शन ही आज 4थी बार काटे गए हैं पानी के, और एक बार कनेक्शन कराने में 5 से 6 हज़ार रुपये प्लम्बर ले रहा है। जब ये काटते हैं तब इनका ठेकेदार कहता है कि हमारा प्लम्बर आके कर देगा, और उसके बाद शाम को काम करके भैया हमारे पास प्लम्बर नहीं है ये कह के चले जाते हैं। अब जब किसी के घर में पानी नहीं आएगा, बिना पानी के तो कुछ हो नहीं सकता है, जब पानी ही नहीं आएगा तो आदमी मजबूरन 5-6 हज़ार रुपये कर्जा लेके, चाहे उसके पास हो चाहे ना हो, वो कनेक्शन करवाएगा। लोगों के पास नौकरी नहीं है आज, ये लोगों के लिए रोजगार पैदा नहीं कर रहे। लोग आजकल बीमारी से त्रस्त है, महामारी के बीच में बताओ नालियों का काम कर रहे, लेवल बना नहीं रहे। अभी मच्छर मक्खी पैदा होंगे या डेंगू होगा मलेरिया होगा, किसका कौन जिम्मेदार होगा? मसाले की गुणवत्ता आपने देख ली है, ईंटों की गुणवत्ता आपने देख ली है। अभी यूथ कांग्रेस यहाँ से मसाले का और ईंटों को लेकर फ्लड डिपार्टमेंट में जाएगी और इनकी गुणवत्ता चेक कराई। ना तो आज तक हमने जेई देखा है, ना आज तक हमने ठेकेदार देखा है, सिर्फ 2 लेवल आती है। विधायक जी सिर्फ जो उनके नुमाइंदे हैं, जैसे कि 6 नंबर गली के वहाँ है, 16 नंबर गली के वहाँ है, उनकी गलियों में काम होता है तो खुद खड़े होकर काम कराते हैं। यहाँ इस कॉलोनी और इस पी ब्लॉक एफ ब्लॉक के इस कोने पे दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हम मैं ये पूछना चाहता हूँ। और अगर यही हालात रहे, यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है विधायक के द्वारा? बिल्कुल किया जा रहा, पब्लिक किसी से भी पूछिए। अगर यही हालात है तो मजबूरन आज पब्लिक के साथ मिलके हमें काम रुकवाना पड़ेगा। चाहे ललित ललित जी, आपके पास है ये ठेका? आपके पास है? आप दूसरी तरह बात कीजिए, आपके पास कोई लेटर वेटर है परमिशन का काम करने? लेटर पैड है, लेटर का जो हमारा वर्कऑर्डर है जून साहब के ऑफिस में है। हाँ, तो एक आपके पास भी कॉपी होगी? हमारे पास कॉपी नहीं है, बिना कॉपी कोई काम करे। और जो यहाँ पे ये मैं देख रहा, जो पानी सीवर सब तोड़े जा रहे हैं, इसकी रिपेयरिंग कौन कराए? तो फिर जो नाली बनी तो नाली तो अपना नाली का तो काम अपना नाली बनेगी, जो यहाँ पर पाइप ये तोड़े जा रहे हैं लोगों के, उनको कौन रिपेयरिंग करवाएगा? मेरा सीधा सवाल है आपसे, कोई आपसे नाराज नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे काम करवा रहे, ठेका आपने ले रखा, तो जो ये आम लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? और एक बार नहीं, 3 बार हुआ ये नुकसान। चौथी बार, 4 बार कनेक्शन कट चुके, 3 बार पहले, चौथी बार कटे हैं। कोई जवाब? दिखाइए सर इन्हें एक बार, सर 2 टहलों को दिखाइए। चलिए जी, काम होगा नाली का रोड का तो टूटेगा ये, तो नहीं टूटेगा वो, ठीक है, रिपेयरिंग कौन करेगा? अब एक दो हो तो रिपेयर हो जाएगी, अब इतने कौन रिपेयर कराएगा? वही तो सवाल है, एक दो होता तोड़ के चले जाओ, ये थोड़ा पूरी कॉलोनी के पाइप पानी सब कुछ रोक के चले जाओगे? पहली गली तो ये है नहीं जो यहाँ पे काम पहली गली में करा, 25-30 गली बन गई यहाँ पे समस्या आ रही है, खड़े लोग सामने, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे, आपके जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे। यार जब काम होगा तो समस्या तो आएगी, नहीं समस्या तो आएगी तो कितने दिन में रिपेयरिंग होगी क्या है? क्योंकि उसमें जो ठेकेदार होता है उसके पास सारी परमिशन होती है, भाई इतने मकान है इतने पाइप है, उनको रिपेयरिंग भी कराना। रिपेयरिंग का कुछ नहीं है जी हमारा, एस्टीमेट में रिपेयरिंग का कुछ नहीं है, खाली जब एस्टीमेट में रिपेयरिंग का है नहीं कुछ, तो जो यहाँ पे मसाला है ये यहाँ देखा, सीमेंट इसमें नजर नहीं आ रहा, एक बार चेक करो ना, चेक कर लिया मैंने, चेक करो इसको लैब में ले जाओ, चेक कराओ, वो उसके बाद पता चल जाएगी। चेक करके देख रहा मैं,
जो तुम्हारी दो दिन की पहली पुरानी चिनाई है वो अभी एक उंगली से ही टूटी। दो दिन कहाँ लगी, ये तो कल ही लगी है चिनाई। एक उंगली से कैसे उठी, हाथ लगाते ही कौन सी उठी ऊपर आ रही, मुझे बताओ ना। आप ही उठा के देखो, कल चार कट्टे में ये चुनाई हुई है, छह एक का मसाला लग रहा है और इससे ज्यादा क्या लगाएगा, वही तो छह का मसाला कम है क्या, कच्चा कहाँ है, आपके कहने से ही कच्चा है क्या, नहीं ऐसे कच्चा नहीं है, कहाँ है कच्चा बताओ। ये यहाँ पे ये देखो ठेकेदार का जवाब कि यहाँ पे कोई कच्चा नहीं है, इनके पास कोई लेटर नहीं है, फिलहाल जो हमने पूछा कह रहा कि जो विधायक उनके पास लेटर रखा हुआ है, प्लस जो यहाँ पे पाइपलाइन है सीवर लाइन है वे सब तोड़ी जा रही, उसका कोई रिपेयरिंग का कोई इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, और कह रहे कि ऐसे ही ये तोड़ी जाएगी नालियों के लिए, और यहाँ पे ये सामने पब्लिक लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।